अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चपली कबाब की रेसिपी बताऊंगी, वो भी अपने स्टाइल में। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं आपको। ये 3 पाउंड हमारा बीफ का कीमा है और ये रेगुलर वाला है। बहुत से लोग लीन लेते हैं लेकिन मैंने रेगुलर लिया कि थोड़ा इसमें चिकनाहट भी हो। 3 चमची हमारी ये कुटी हुई मिर्च है। ये 2 टमाटर मैंने लिया है मीडियम साइज का ऊपर से लगाने के लिए। और ये 2-2 चमच हमारा अदरक लहसुन है। 3 ये मीडियम साइज की प्याज है चॉप की हुई। और ये 3 लेमन का अदरक है। 2 चमची कुटी हुई मिर्च है। नमक मैंने 1 चमची लिया है मगर आप अपने 2 टेस्ट भी ले सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये हमने 1 चमची लिया है, ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 चमचा ये हमारा कुटा हुआ और भुना हुआ सफेद जीरा और कोरिएंडर है। ये 1 चमची हमने अनारदाना लिया है जो पिसा हुआ है, इसलिए कि जब दाना आता है मुंह में साबित वाला होता है तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है ये ले लेते हैं। और ये 3 मीडियम साइज के टमाटर है जो हमने चॉप किए हुए और हम इसमें डालेंगे। 1 कटोरी हमारी ये हरा धनिया है, इसको भी हमने चॉप किया हुआ है। और ये 5 चम्मच चपली कबाब का मसाला है जो हमने खुद तैयार किया है, नेक्स्ट टाइम इसके भी रेसिपी में आपको डालूंगी। चलिए तो फिर हम इसको मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं ये डालूंगी। ये हरी मिर्च का भी ये अपनी मर्जी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चे हो सकता है नहीं पसंद करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा हमारे दामाद हमारे मियाँ माशाल्लाह इन लोगों को ज़्यादा चटपटा चाहिए होता है, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारा घर का है। और फिर नेक्स्ट टाइम आपकी आपको इसकी भी रेसिपी में डालूंगी। ये चॉप किया हुआ टमाटर है और ऊपर से डालने के लिए मैंने अलग रखा है। ये देखिए ये भी मैं एक साथ डाल दे, थोड़ा इसको मैं रोकूंगी नमक, ऐसा नहीं कि ये तेज हो जाए। चलिए तो मैं इसको मिक्स करती हूँ। बहुत से लोग बहुत बड़ा भी बनाते हैं लेकिन मैं मीडियम साइज का रखूंगी। अब ये मैं आपको फ्राई पैन में डाल के दिखाती हूँ। ये तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालती हूँ। ये 2-3 मिनट हो जाए तो फिर मैं पलटूंगी इसको। ये 3 से 4 मिनट हो गया है तो अब मैं इसको पलटती हूँ। चलो तो डिश आउट करती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आपको। हमारा चपली कबाब तैयार हो गया है, अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छा, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको बगैर किसी चीज़ के भी खा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा चावल लेके उसके साथ खा के बताऊंगी। अच्छा, इसके साथ चटनी जो है वो मैंने ग्रीन वाली तैयार की है, आप इसमें केचप भी रख सकते हैं, इसमें आलू बुखारे की चटनी भी खाई जा सकती है। तो चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। नानो, आपने आज क्या बनाया? आज मैंने क्या बनाया है जी? आज मैंने बनाया है चपली कबाब और ये चावल है और थोड़ी सी दाल भी है, मगर मर्जी है कि दाल तुम खाओ या ना खाओ जी। तो दाल की रेसिपी मैं बाद में डालूंगी। मैं भी थोड़ी ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, मगर पहले हम ट्राई करेंगे। ओके ठीक है, पहले मैं ट्राई करूंगी, मैं बताऊंगी कि मैंने कैसा बनाया, फिर मैं आपको दूंगी खड़े रहने पे। ओके ओके। ये मेरा बड़ा नवासा है, बहुत खाने का शौकीन है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत अच्छा है, बहुत जूसी है, नमक मिर्च हर चीज बहुत मुनासिबत से है। आप लोग भी जाएं जल्दी जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर फीडबैक देंगे। पहले मैं अपने नवासे को टेस्ट कराती हूँ। लो बेटा कैसा है बताओ, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बताओ सबको बताओ कैसा बनाया नानू ने, बहुत अच्छा क्रिस्पी जमीनी डिश है। चलिए तो फिर आप लोग जाएं, आप ये रेसिपी को ट्राई करें, उसके बाद फीडबैक दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला दूसरी रेसिपी के साथ मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।